क्रिकेट के मैदान पर धूम मचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी अब सब्जी मंडियों में भी धूम मचा रहे हैं। दरअसल धोनी के ईजा फार्म हाउस की सब्जियां हर दिन रांची के बाजारों में पहुंच रही हैं और लोग जमकर धोनी के फार्म हाउस में उपजी सब्जियों का आनंद ले रहे हैं। सब्जी मंडियों के अलावे कई जगहों पर आउटलेट लगाकर ईजा फार्म की सब्जियां बेची जा रही हैं। दरअसल धोनी के फार्म हाउस में सब्जियां पूरी तरह से गोबर और वर्मी कंपोस्ट की मदद से उपजाई गई हैं। इतना ही नहीं, इन सब्जियों की कीमत भी काफी कम है। वही कम कीमत होने और गुणवत्ता में अच्छी होने के चलते धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। धोनी के खेतों से आई गोभी 10 रुपए किलो, टमाटर थोक में 28 रुपए तो खुदरा में 40 रुपए किलो, ब्रोकली 30 रुपए प्रति पीस और शिमला मिर्च 40 रुपए किलो की दर से मिल रही है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 43 एकड़ के फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती शुरू की है और इसका नाम ईजा फार्म हाउस रखा है।